हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लांट किंगडम। सो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जो प्लांट किंगडम है उसमें 5 फाइलम इंक्लूडेड है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फर्स्टली हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार प्लांट की किस तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात हुई तो अलग अलग साइंटिस्ट का अपना एक अलग अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले मार्केट में आया था और वो कैरोलस लीनियस जी ने दिया था। दिस सिस्टम गेव द इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसमें उन्होंने मोस्टली जो ध्यान दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर पे एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक पे ध्यान देते हुए उन्होंने प्लांट्स को कुछ कुछ पार्ट्स में बांट दिया था। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया था। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड जो है क्लासिफिकेशन को करते हैं। इट्स कंसीडर बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर लाइक द स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। और इसमें क्या करते हैं कि ना सिर्फ हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी देखते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो हमने तो तरीका सोचा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट वन इज दिस सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम लोग मोस्टली जो ध्यान देते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे हमारा पूरा पूरा ध्यान रहता है, जेनेटिक रिलेशनशिप पे हमारा पूरा पूरा ध्यान रहता है। ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसमें हम फॉसिल्स के रिकॉर्ड वगैरह को देखते हैं कि हाँ किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे लिंक्ड है, उसके बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड जेनेटिकल। मतलब यहाँ पर हम अपने बहुत सारे बेसिस को इंक्लूड करते हुए एक अच्छी क्लासिफिकेशन को करते हैं और रीसेंट टाइम पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही हम फॉलो कर रहे हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमीज की कि आखिरकार किस किस तरह की टेक्सोनॉमीज मार्केट में हैं। तो फर्स्ट होता है आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से हम अपनी क्लासिफिकेशन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इट इज कैरिड आउट यूजिंग द कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक एंड डेटा आर देन प्रोसीड इन ईच वे ईच कैरेक्टर इज गिवन द इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसीडर्ड। तो क्या होता है कि कंप्यूटर से जैसे कि आप कोई चीज करोगे तो भाई आसानी से हो जाएगा ना, कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को देख पाओगे, है ना। नेक्स्ट है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन लाइक द क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर्स, बिहेवियर एंड टाइप ऑफ क्रोमोजोम एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका कीमोटेक्सोनॉमी। कीमोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एविडेंस फ्रॉम द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो कीमोटेक्सोनॉमी में हमारा मेन फोकस होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे कि आखिरकार किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके के एंजाइम हैं, हार्मोन है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, उन सब चीज़ों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनके बीच क्या रिलेशंस बन रहे हैं। तो इसी के साथ बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्गी को हम डिस्कस करेंगे, हमारी एल्गी कैसी होती है, उसके में क्या फीचर्स होते हैं, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो एल्गी के बारे में बताया जाता है कि बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है, थायलॉइड होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, लार्जली एक्वेटिक होता है, पानी वाली जगह पर मिलता है हमें, और भी अलग अलग जगह पे मिल सकता है जैसे कि मॉइस्ट स्टोन में मिल जाएगा, सोयल में, बूट्स में, सम ऑफ देम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद द फंगस एंड एनिमल के साथ भी उनका एसोसिएशन कई बार हमको देखने को मिलता है। द एल्गी रिप्रोड्यूस बाई द वेजिटेटिव असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मैथड। तो एल्गी किस तरीके से जो है रिप्रोड्यूस कर सकती है अब हम उसकी बात कर लेते हैं। सो जो एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन से आपका जो है इजिली वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके लिए वो जूस स्पोर्ट्स का यूज़ कर सकती है। जूस स्पोर्ट्स छोटे छोटे स्पोर्ट्स होते हैं, दे आर द फ्लेजलेटेड एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू द न्यू प्लांट। और उनके अंदर फ्लेजला भी पाया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो आपके फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के थ्रू करवाया जाता है। दीज गैमेट्स कैन बी फ्लेजलेटेड एंड सिमिलर इन साइज और नॉन फ्लेजलेटेड बट अलाइक इन साइज, सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द आइसोगैमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेट्स की फ्यूजन से होता है। गैमेट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, हो सकता है फ्लेजला है या नहीं है, या फ्लेजला है तो अलग अलग साइज का है या सिमिलर साइज का है, उसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकता है। एल्गी के जो होते हैं आपके बहुत सारे क्लासेस होते हैं जैसे कि क्लोरोफाइसी, फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हरे कलर की एल्गी होती है, फायोफाइसी ब्राउन वाली और रोडोफाइसी रेड वाली। ओके,
तो अब वन बाई वन सबको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करने वाले हैं क्लोरोफाइसी की। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, काहे कि बिल्कुल ही कतई ग्रीन होता है। ओके, प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। प्लांट की बॉडी कैसी भी हो सकती है, यूनिसेलुलर हो सकता है, कोलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी की वजह से इनका जो कलर होता है वो हमारा ग्रीन ग्रीन सा होता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और द मोर स्टोरेज बॉडीज लाइक द पायरेनॉइड्स। तो इनमें जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं उनमें पायरेनॉइड्स नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें कि वो फूड को स्टोर करते हैं। पायरेनॉइड्स कंटेन द प्रोटीन बिसाइड्स द स्टार्च। पायरेनॉइड्स में क्या होता है कि प्रोटीन होती है और बिसाइड स्टार्च उसमें पाया जाता है। कुछ जो एल्गी होती है में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट, तो कुछ जो एल्गी होती है वो इस तरीके से ना स्टोर फूड करके बल्कि वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है स्टोर करती है अपने फूड को। ग्रीन एल्गी के बारे में और भी बातें बताई जाती हैं कि ग्रीन एल्गी जो होती है उसकी रिजिड सी सेल वॉल होती है, बहुत ही कड़क सी, मेड ऑफ द इनर लेयर जो कि होता है इनर लेयर सेलुलोज का बना हुआ होता है और बाहर वाला जो लेयर है वो पैक्टोज का बना हुआ होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, द मेंबर ऑफ द क्लोरोफाइसी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द वेरियस मेथड्स। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, क्लोरोफाइसी हर तरीके से भाई रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिवली कर सकती है, असेक्सुअली कर सकती है, सेक्सुअली कर सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है और वहाँ पे हमें अलग अलग तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो आपके फ्लैजिलेटेड स्पोर होते हैं, ओके, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है और वो जूस पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज द कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस। तो बताया जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को हमें मिल सकती है। उसमें हमें कंडीशन अलग अलग कंडीशंस मिलती हैं जैसे कि आइसोगेमस है कि एनाइसोगेमस है कि ओगेमस है। तो ये पॉइंट्स जो है आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर द क्लाइमेडोमोनास, बॉलवर्क्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगाइरा एंड चारा। तो कुछ जो हमें कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी जो आसानी से हमें मिल जाते हैं वो है हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो ये भी आपको याद करना होगा। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की का डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ द फियोफाइसी। सो फियोफाइसी जो होता है, द मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन एल्गीज को जो है ब्राउन एल्गी कहा जाता है, आर फाउंड इन द मेरीन हैबिटेट। ये आपको कहाँ पर मिलते हैं, ये आपको मेरीन सिचुएशन में मिलते हैं। दिस शो द ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड फॉर्म। इनकी साइज एंड फॉर्म में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब कुछ तो बहुत ही छोटे हैं, कुछ बहुत ही लंबे हैं। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए सी, कैरेटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। इनके अंदर जो पाया जाता है क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, कैरेटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स भी पाई जाती है। फूड जो इनका स्टोर होता है वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ द लैमिनरिन और मैनिटॉल की फॉर्म में जो है ये अपने स्टोर करते हैं फूड को, ठीक है। The plant body is usually attached to the substratum by the holdfast and has a stalk, this type and the frond. तो इनकी जो plant body होती है वो substratum से attached होती है by a holdfast and उसमें एक stalk पाया जाता है, stipe पाई जाती है और frond leaf like organ भी पाया जाता है कई सारी algaes में। तो नीचे आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप से जड़ों जैसी चीज़ें हल्की हल्की आपको लगेगी, बट वो एक्चुअली में जड़ नहीं है। तो उसी को बोला जाता है कि वो आपका होल्ड फास्ट है। थोड़ा सा ये जो डंडी है उसको स्टॉक बोला जाता है, स्टाइप भी उसी के ऊपर ही आ जाता है, फिर थोड़ा सा फ्रॉन्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है लीफ लाइक, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो आपका क्या है, वो आपका फ्रॉन्ट है, ओके। तो ये बात आपको याद कर लेनी है एज इट इज़। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी इज बाय द बाई फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ब्राउन एल्गी में वो बाई फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर्स के थ्रू होता है और वो जो स्पोर्स बनते हैं वो पियर शेप्ड के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये याद कर लेना है कि हाँ वो पियर शेप्ड के होते हैं। एंड हैविंग द टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, और उनके पास दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला भी पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हैं, जितने भी तरीके हैं सारे के सारे तरीके आपको लिख देने हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल की बात करें, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गसम एंड फ्यूकस जो होता है वो इस ग्रुप का एग्जांपल है। रोडोफाइसी की बात करेंगे, द मेंबर्स ऑफ द रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड द रेड एल्गी। इनको रेड एल्गी कहा जाता है ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट बहुत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो आर फाइकोएरिथ्रिना इन देयर बॉडी मोस्ट, क्योंकि इनकी बॉडी में आर फाइको इरिथ्रिन प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो लाल कलर का पिगमेंट है, तो उसी की वजह से ये क्या होते हैं, लाल लाल से दिखने लगते हैं। मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर द मैरीन विद द ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द बार्मर एरियाज, और ज़्यादातर क्या होता है कि ये गर्म गर्म इलाके में मिलते हैं।
फूड को जो स्टोर किया जाता है फ्लोरिडेन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, विच इज द वेरी सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो लगभग जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही फ्लोरिडेन स्टार्च का भी स्ट्रक्चर होता है। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो जो रेड एल्गी रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिवली अगर तरीके की बात करें तो वो फ्रेगमेंटेशन से करती है, और सेक्सुअली बात करें तो नॉन मोटाइल स्पोर बनाती है, सेक्सुअली बात करें तो नॉन मोटाइल गैमेट्स बनाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ऊ गैमेट्स भी हो सकता है, और जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी क्या है, पॉलीसीफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलीडियम जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ जो कि है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो है इसमें आपके मॉसेस एंड लीवर वॉच इंक्लूड होते हैं, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से आपसे एमसीक्यू के थ्रू पूछा जा सकता है। देयर आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन द मॉइस्ट सेडेड एरियाज इन द हील्स, और जो कि आपको हील्स एरियाज में जो है आसानी से देखने को मिल सकते हैं। दे आर कॉल्ड द एम्फीवियन ऑफ द प्लांट किंगडम, और इनको प्लांट किंगडम का एम्फीवियन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके पीछे का रीजन पढ़ लेते हैं। दीज प्लांट लाइव ऑन द सोयल बट दे डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। कि ये सोयल में तो वैसे रह सकते हैं नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इन्हें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करना है तो इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो ये जो है आपके डैम्प एंड सैडी हैबिटेट में आपको मिलते हैं। फाउंड टू ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑन द डैम्प सोयल, रॉक्स एंड वॉल्स में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपकी क्या होती है कि ठंड का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, तो ये आसानी से आपको वहाँ पे मिल जाएगी डैम्प सोयल्स के अंदर, रॉक्स के अंदर, वॉल्स के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दे लैक द ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स बट कंटेन द राइजॉइड्स। तो इनके अंदर भी क्या होता है कि आपके ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं पाए जाते हैं, बट इनके अंदर राइजॉइड जरूर पाया जाता है। द मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इट प्रोड्यूस गैमेट्स और उसी से ही गैमेट्स रिलीज होते हैं, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ब्रायोफाइट जो होता है वो आपका गैमेटोफिटिक होता है। द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स का वो मल्टी सेलुलर होता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड द एंथीरिडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथीरिडियम कहा जाता है। दे प्रोड्यूस द बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड्स, और वो क्या करते हैं कि बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एंथीरिडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, तो उसमें क्या होता है कि दो फ्लैजिला पाया जाता है, इसीलिए इसको बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड्स कह रहे हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्किगोनिया कहा जाता है, और वो फ्लास्क शेप की होती है और वो प्रोड्यूस करती है एक सिंगल सेल को, ठीक है। उसमें एक सिंगल सेल ही बनता है, इस तरीके से आपने देखा होगा जिम्नोस्पर्म के केस में, तो लगभग लगभग सा ऐसा ही फ्लास्क शेप पाया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये क्या करती हैं कि मल्टी सेलुलर बॉडी को बनाती हैं जो कि स्पोरोफाइट होता है। इट इज़ नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये फ्री लिविंग नहीं होता, ठीक है, बल्कि वो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है जो स्पोरोफाइट बनता है एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और बल्कि उससे नरिशमेंट भी लेने का काम करता है। सो ब्रायोफाइट्स को हम लोग बांटते हैं लीवर वॉच एंड मॉसेस में। जो लीवर वॉच होती हैं, द प्लांट बॉडी ऑफ द लीवर वॉच इज थायलॉइड। इनकी भी जो बॉडी होती है प्लांट बॉडी, वो आपकी थायलॉइड होती है। जो थैलस होता है वो आपका डॉर्सी वेंट्रल होता है एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट। तो मतलब ना इनकी बॉडी जो होती है उसमें आप आसानी से जान सकते हैं कि हाँ ये ऊपर वाला सरफेस है और ये नीचे वाला सरफेस है, तो इसको हम डॉर्सी वेंट्रल बॉडी कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वॉच टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपके फ्रेगमेंटेशन से होता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कई बार हमें अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैमा, जिससे कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। जो गैमा होती है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्शुअल बर्ड होती है, वो मतलब असेक्शुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए ही वो हेल्पफुल होती है। विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स लाइक द गैमा कप। और वो जो आपका गैमा है वो बेसिकली गैमा कप के अंदर बनता है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे गैमा छोटे छोटे पड़े हुए होते हैं। जो गैमा होते हैं बिकम्स डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड टर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल। तो जैसे ही मान लीजिए छोटा सा गैमा यहाँ पे बना, छोटा सा यहाँ गैमा, तो गैमा जो है कहीं और चली जाती है और फिर वहाँ पे एक नई प्लांट बॉडी को बना के छोड़ देती है। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और द डिफरेंट थैलाई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है वो सेम पे या अलग अलग थैलाई पे बनती है। जो स्पोरोफाइट होते हैं वो आपके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं फूड सीटा एंड कैप्सूल के अंदर। जो स्पोर्स होते हैं वो आपके उसी के अंदर ही बनते हैं, ओके। जो कैप्सूल होता है उसी के अंदर ही स्पोर्स वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं, और इस तरीके से वो एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट को बनाते हैं। नेक्स्ट जो आपका ग्रुप इसमें हमें पढ़ना है वो है मॉसेस।
ओके, लीवर वॉस को हमने अच्छे से समझ लिया। मॉसेस को देख लेते हैं। मॉसेस जो होते हैं, द गैमेटोफाइट ऑफ द मॉसेस कंसिस्ट ऑफ द टू स्टेजेस। जो गैमेटोफाइट होते हैं मॉसेस के, उनमें दो स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेज होता है प्रोटोनीमा स्टेज। प्रोटो का मतलब होता है कि पुराना वाला स्टेज, मतलब ये जो है बहुत ही ऐसा है थोड़ा सा, ठीक है, पुराने जमाने का, मतलब ये पहले आता है बेसिकली। बिस डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स, जो कि स्पोर्ट्स से ही डेवलप होता है। बहुत ही ज़्यादा हरे कलर का होता है, क्रीपिंग सा होता है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होता है। जो सेकेंड स्टेज होती है वो लीफी स्टेज होती है। तो दोनों की दोनों स्टेजेस को आप अच्छे से याद करेंगे। बिस डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, जो कि आपके सेकेंडरी प्रोटोनीमा वाले स्ट्रक्चर से बनती है। उसमें क्या होता है कि एक लेटरल बड पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस बियरिंग द स्पायरली अरेंज्ड लीव्स पाए जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी रेफरेंस से इसके डायग्राम को देख सकते हैं, उसमें बहुत ही क्लियरली दिखाया गया है कि किस तरीके से उसमें स्पायरली अरेंज्ड लीव्स हैं और किस तरीके से जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो आपके फ्रेगमेंटेशन से होता है। जो बडिंग होती है वो आपकी सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज में देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जो है बहुत ही चालाकी से आपसे पूछ लिया जाएगा और आप भूल सकते हैं, तो इस बात को बहुत ही अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो सिक्स ऑर्गन होता है एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी सूट। तो लीफी सूट के एपेक्स पे क्या होता है कि जो आपके सिक्स ऑर्गन होते हैं एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया, उनको बनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। स्पोरोफाइट जो होते हैं मॉसेस में, वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं और उनमें क्या होता है कि फूड सीटा एंड कैप्सूल पाया जाता है। तो ये तीन के कौन से पार्ट पाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको याद करना है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस, मॉसेस की कुछ बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है, फ्यूनारिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। स्फेगनम की फोटो भी एनसीईआरटी में दी गई है डायग्राम, और फ्यूनारिया का डायग्राम भी है। तो आप इन दोनों डायग्राम को जरूर से जरूर एनसीईआरटी से एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो आपके सीडलेस वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं। तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर की बीज तो नहीं पाया जाता, ये बात तो एकदम क्लियर कट में समझ लो। दैट हैव द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, और इनकी जो बॉडी होती है वो आपकी स्पोरोफिटिक होती है। एंड इन कॉन्सिपिशुअस गैमेटोफाइट पाया जाता है। तो ऐसा गैमेटोफाइट होता है बहुत ही छोटू सा। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है वो आपके ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स में जो है डिवाइडेड होती है। वेस्क्यूलर टिश्यू जो आपके प्रेजेंट होते हैं बट वेजल्स आर एब्सेंट, मतलब वेस्क्यूलर टिश्यू तो ऐसे प्रेजेंट है लेकिन वेजल्स जो है वो नहीं है, ठीक है, फ्रॉम द साइलम। एंड कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट, और बल्कि कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दी गई है इनको। ओके, स्पोरोफाइट्स जो होते हैं वो स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंड बाय द लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड द स्पोरोफिल्स। तो जो स्पोरोफाइट बनते हैं वो आपके एक लीफ लाइक अपेंडेजेस पे बनते हैं, उनको स्पोरोफिल्स कहा जाता है। फिल का मतलब ही होता है पत्तियाँ, तो ऐसी पत्तियां जिसमें स्पोर बने उसको स्पोरोफिल कह देंगे। इन सम प्लांट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जो कि जिसको बोला जाता है स्ट्रोबिलाई या कोन, जो है वो आपका बनता है। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो आपको स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं बाय द मियोसिस। तो जब जो प्लांट को अगर भाई स्पोर बनाने का मन है तो सबसे पहले वो मियोसिस करेगी स्पोर मदर सेल में, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके स्पोर्स बन जाएंगे। जो स्पोर्स जनरेट होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी मल्टी सेलुलर थायलॉइड प्रोथैलस वाली जो बॉडी है वो दोबारा से बन जाती है। गैमेटोफाइट जो होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जिसको एंथीरिडिया एंड आर्किगोनिया कहा जाता है। इसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो अगर आप मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये हर जगह पे तो नहीं उग पाएंगे, जहाँ पे पानी रहेगा वहीं पे उगेंगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं मिलते हैं, वहीं पे मिलते हैं जहाँ थोड़ा थोड़ा गीलापन का एरिया प्रेजेंट हो। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस द स्पोर्स ऑफ द सिमिलर काइंड। तो ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो आपके एक जैसे स्पोर्स को जो है बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं होमोस्पोर्स। ओके, बट जो सिलेजिनला एंड साल्विनिया ये एक्सेप्शन है, जिनमें कि स्पोर्स दो तरह के बनते हैं, जिनको कहा जाता है हेटरोस्पोर्स। हेटरो का मतलब होता है अलग अलग, होमो का मतलब होता है सेम सेम। ओके, तो जो आपके बड़े वाले जो लार्जर कॉल्ड मेगास्पोर, जो बड़ा वाला होता है उसको हम मेगास्पोर कह देते हैं, और जो छोटू वाला होता है उसको हम माइक्रोस्पोर कह देते हैं, ठीक है। और यही वर्ड जो है हम बार बार यूज़ करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में भी, तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फाइलम की तरफ पहुँच चुके हैं। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि ओव्यूल जो होता है वो ओवी से इनक्लोज्ड नहीं होता है।
इसका ये मतलब है कि जो आपकी यहाँ पर सीड तो बना बट फ्रूट नहीं बना एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और ये क्या होता है कि बिफोर एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज होता है, मतलब इसमें नेकेड जो है आपका उसमें सीड्स पाए जाते हैं। ओके तो ये बात आपको याद रखनी है। दे आर द पेरिनियल एंड बूडी, और ये जो होते हैं आपके पेरिनियल एंड बूडी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे खासे बड़े से पेड़ होते हैं, काफ़ी सारा मोटा मोटा सा तना होता है। फॉर्मिंग आइदर द बसेज और द ट्रीज, तो मोस्टली टाइम तो ये क्या करते हैं, ट्रीज ही बनाते हैं। सम आर द वेरी लार्ज, कुछ जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, सिकोया जो है बहुत ही बड़ा जिम्नोस्पर्म होता है, एंड एक बहुत ही छोटा होता है जिसका एग्जाम्पल दिया गया जामिया एंड पिग्मिया। ओके तो जामिया एंड पिग्मिया जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन जो सिकोया का प्लांट होता है वो बहुत बड़ा होता है। स्टेम जो होते हैं वो अनब्रांच्ड हो सकते हैं, जैसे साइकस में पाया जाता है, साइकस में अगर आप देखेंगे स्टेम को तो वो आपका अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, एक सीधा सा बस एक प्लांट रहेगा, उसमें कोई ब्रांचेस नहीं रहेंगी। लेकिन पाइनस जो है वो आपका ब्रांच हो सकता है, तो उसके अंदर ब्रांचेस पाई जाती हैं। रूट जो होते हैं वो आपके टैप रूट पाए जाते हैं, जो इनके अंदर रूट्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाँ दो तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट होता है, ठीक है, तो इसमें जो है टैप रूट ही पाया जाता है। लीव्स जो होती हैं वो आपकी सिंपल या कंपाउंड कैसी भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का प्लांट है। ये जो होते हैं आपके हेटरोस्पोर्स होते हैं, इनमें अलग अलग तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मेल एंड फीमेल स्ट्रोबेलाई, जिनको कि हम रिस्पेक्टिवली बोलते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, पॉलिनेशन अकर थ्रू द एयर एंड जायगॉट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड, दी सीड्स आर नेकेड। तो जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस को रखते हैं, पॉलिनेशन जो होता है वो आपके एयर मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस को नहीं रखते हैं। पहले के ग्रुप्स में क्या था कि वो उनका भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस था, उनका भी रुतबा था, बट अब उनका कोई रुतबा नहीं रह गया है। डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स इनटू द सीड, दीज सीड्स आर द नेकेड। और इनके अंदर क्या होता है कि मतलब जायगॉट जो है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है, ओव्यूल सीड में बदल जाती है, और वो जो सीड्स होते हैं ना वो आपके नेकेड होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, उसमें कोई भी तरीके का फ्रूट नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका पाइनस, साइकस, सिड्रस एंड गिंको कोच, जो कि आपके इतने ही एग्जाम्पल हैं आपकी एनसीईआरटी में, और आपको इतना ही याद करना है, इससे आप एक भी एग्जाम्पल ना तो ज़्यादा याद करेंगे और ना ही कम याद करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जो कि है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसको फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जाना जाता है। जो पॉलन ग्रीन्स एंड ओव्यूल्स होते हैं वो आपके डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, जिसको फ्लावर कहा जाता है। तो आपने अपने आसपास फ्लावर वगैरह को देखा भी होगा, तो इसी को हम क्या करते कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। जो सीड्स होती हैं वो आपके एकदम फ्रूट्स के अंदर पैक्ड होती हैं, तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हम मैंगोज़ वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, अंदर की तरफ बीज होता है, बाहर की तरफ फ्रूट होता है। तो वही सब जो आपके नॉर्मली जो आपको देखने को मिलते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट, वो आपके एंजियोस्पर्म ही होते हैं, जिनके अंदर की यूजली आपको फ्लावर भी देखने को मिलता होगा। साइज जो है वो आपका वेरी करता है, अलमोस्ट द माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया, बहुत ही छोटा सा प्लांट भी हो सकता है, जैसे कि 0.1 सेंटीमीटर का वॉल्फिया होता है, बहुत ही लंबा प्लांट भी हो सकता है, जैसे कि यूकेलिप्टस, जो कि आपका 100 मीटर से भी ज़्यादा होता है। मेल सेक्स ऑर्गेन इन अ फ्लावर इज द स्टैमेन, ई स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल फिलामेंट विद एन एंथर एट द टिप, विद इन द एंथर द पॉलन मदर सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर विच मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गेन होता है उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से मान लीजिए एक फ्लावर को बना लेते हैं, तो उसमें मेल जो सेक्स ऑर्गेन होता है उसमें एक बाइलॉब्ड एंथर होता है, ठीक है, और एक क्या होता है यहाँ पे हमारी क्या होती है, फीमेल सेक्स ऑर्गेन वाला पार्ट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो स्टैमेन होता है उसमें एक फिलामेंट होती है, डंडी होती है, और एक एंथर होता है जो कि टिप पे पाया जाता है। विद इन द एंथर वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है बहुत सारे बनते हैं, इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं, और जो वो कैसे बनते हैं, जब पॉलन मदर सेल डिवाइड करता है मियोसिस से, तभी जाके जो है ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर के नाम से भी जानते हैं। जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन होता है किसी भी फ्लावर में वो होता है आपका पिस्टल या कार्पेल, जो कि मैंने आपको दिखाया था फीमेल वाला पार्ट की, इसको जो कि हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ योर क्या है ये आपका, इसको आप पिस्टल या कार्पेल कह सकते हैं। पिस्टल जो होता है उसमें एक ओवरी पाई जाती है, यहाँ पर ओवरी होता है, ओके, दिस इज़ योर स्टिग्मा वाला पोर्शन, जहाँ पर कि आपके पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं, एंड यहाँ पर क्या होता है कि आपका एक स्टाइल वाला पोर्शन पाया जाता है। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है छोटा सा, जनरली ईच ओव्यूल हैज़ अ मेगास्पोर मदर सेल,
तो हर ओव्यूल के अंदर क्या होता है कि एक मेगास्पोर मदर सेल पाई जाती है जिनके अंदर की मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या होता है कि वहाँ पे हैप्लोइड मेगास्पोर हमें देखने को मिलता है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो मेगास्पोर बनते हैं उनमें से 3 जो होते हैं वो आपके डीजेनरेट कर जाते हैं, और एक आपका डिवाइड करके क्या करता है, एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन कर लेता है। तो मान लीजिए कि आपका ये एम्ब्रियो सेक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें से 3 जो होते हैं डीजेनरेट कर जाते हैं, जो 4 बनते हैं इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि आपका 3 डिजेनरेट कर जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि एक आपका जो है एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अंदर एक एक्सेल पाई जाती है, 2 सिनर्जिड होता है, 3 एंटीपोडल सेल होता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके फ्यूज़ करके एक डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस को बनाते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, स्टाइल पे एंड ओव्यूल के अंदर वो पहुंच जाता है। जो पॉलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सेक के अंदर, वेयर द 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, तो क्या होता है कि फीमेल वाले पोर्शन में जो आपका इसके अंदर एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट है उसके अंदर यहाँ पर सिनर्जिड है, एंटीपोडल है मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पॉलन ग्रीन पॉलन ट्यूब आती है वो इस तरीके से एंटर करती है, और एक जो आपका मेल गैमेट होता है वो एक्सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है, और दूसरा जो है वो आपके डिप्लोइड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बना देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। जो जायगॉट होता है वो आपका एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, और जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो आपके एंडोस्पर्म में डेवलप कर जाता है, विच प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। फर्दर जो ओव्यूल होता है वो आपके सीड्स में डेवलप कर जाता है, और जो ओवरीज होती हैं वो फ्रूट के अंदर डेवलप कर जाती हैं। एंजियोस्पर्म जो होते हैं फर्दर क्लासिफाइड उनको किया जाता है मोनोकॉट्स में एंड डाइकॉट्स में। कि एंजियोस्पर्म को हम दो दो में आप लोग देखते होंगे, एक मोनोकॉट होता है एक डाइकॉट होता है। जो डाइकॉट होते हैं उसमें बेसिकली 2 कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको डाइकॉट कहा जाता है। जो मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं उनमें एक ही कॉटिलेडन होता है। लीव जो होती है वो आपके पैरेलल वेनेशन में होती है, आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं उसमें जो लीफ होती है उसमें इस तरीके से पैरेलल वेनेशन होती है, जबकि रेटिकुलेट वेनेशन जो है वो हमें कई प्लांट्स में देखने को मिलता है जिसमें कि कुछ इस तरीके से वेनेशंस पाई जाती हैं, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स के अंदर, और जबकि टैप रूट सिस्टम होता है आपके डाइकॉट्स के अंदर। तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनकी रूट्स कुछ इस तरीके से होती हैं, ऐसे झल्ले की तरह, और जो आपका टैप रूट सिस्टम होता है उसमें क्या होता है एक बहुत ही लंबी सी इस तरीके से रूट सुंदर सी इस तरीके से रहती है। ओके, जो स्टोमेटा होते हैं मोनोकॉट्स के वो आपके डंबल शेप के होते हैं, जो स्टोमेटा इनके होते हैं वो आपके किडनी शेप के होते हैं। मोनोकॉट्स की जो एग्जाम्पल है बनाना है, वीट है, राइस है, जबकि डाइकॉट्स के आपके एग्जाम्पल क्या है, ग्राम है, मैंगो है, एप्पल है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करेंगे, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में बताया जाता है कि डिफरेंट प्लांट जो होते हैं वो कंप्लीट करते हैं अपने लाइफ साइकिल को अलग अलग पैटर्न के जरिए। एंजियोस्पर्म जो है वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है 2 अलग अलग फेजेस में, डिप्लोइड स्पोरोफाइट हो सकता है वो, या तो हैप्लोइड गैमेटोफाइट वो हो सकता है। द टू फॉलो ईच अदर, और दोनों ही एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। क्या होता है कि जो आपका गैमेट होता है उससे क्या होता है गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट से स्पोर बनते हैं, तो यही सारी जो प्रोसीजर है वो एक के बाद एक के बाद एक होती रहती है, और टू फॉलो ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। और ये जो फेनोमेना होता है इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट जो है आपका कि अलग अलग तरह की जो फेजेस हैं, तो उसमें सबसे पहले बताया जाता है ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि हैप्लॉन्टिक होते हैं, जो ओके, जिनकी मतलब लाइफ में ज़्यादातर पार्ट्स जो है वो हैप्लोइड फेज वाला है, इसीलिए उनका नाम हैप्लॉन्टिक रख दिया गया है। उसके अलावा डिप्लॉन्टिक होते हैं जिनकी लाइफ में जो है ज़्यादातर डिप्लॉन्टिक वाला फेज है। कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक बिल्कुल आधा आधा पाया जाता है, तो उसका नाम हम लोगों ने हैप्लोडिप्लॉन्टिक रख दिया है। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होते हैं वो रिप्रेजेंट होता है ओनली 1 सेल से, जिसको हम जायगॉट कहते हैं। तो उसमें स्पोरोफाइट वाला जो पार्ट होता है वो केवल जायगॉट के टाइम पे ही पाया जाता है, और कभी भी नहीं पाया जाता है, कभी भी पूरी लाइफ में नहीं पाया जाता। मियोसिस जो होती है जायगॉट में रिजल्ट इनटू हैप्लोइड स्पोर्स, तो जायगॉट में जब मियोसिस होती है तो उससे हैप्लोइड स्पोर्स बन जाते हैं, और उससे फिर आपका गेमेटोफाइट बाद में बन जाता है। ओके, तो जायगॉट में जैसे ही मियोसिस हुई तो उससे स्पोर्स बने, फिर स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बना देंगे, विच इज़ द डोमिनेंट वेजिटेटिव फेज, और वही इनके अंदर डोमिनेंट फेज होता है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसकी एग्जांपल है सारी की सारी मोस्ट ऑफ द एल्गी जो कि आपके वॉल्वर्क स्पोर वगैरह एटसेट्रा। और वही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें, डिप्लॉन्टिक स्पोरोफिटिक जो आपकी फेज होती है वो यहाँ पर डोमिनेंट होती है, तो देख सकते हैं आप, और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। जो गेमेटोफाइट होता है वो रिप्रेजेंट होता है सिंगल टू फ्यू सेल से,
तो इसमें जो गेमेटोफाइट वाला होता है उसको कोई भी इज्जत नहीं दी जाती है, क्योंकि डिप्लॉन्टिक का मतलब ये स्पोरोफिटिक फेज, तो गेमेटोफाइट को कोई भी इज्जत नहीं मिलेगी, वो एक या दो सेल्स का होता है। ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी, जितने भी सीड्स बियरिंग प्लांट होते हैं वो आपके इस डिप्लॉन्टिक वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। हैप्लो डिप्लॉन्टिक जो होता है आपका, बोथ फेजेस आर द मल्टी सेलुलर एंड इंटरमीडिएट, दोनों के दोनों जो फेजेस होते हैं वो आपके मल्टी सेलुलर एंड इंटरमीडिएट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, और ये क्या होते हैं कि आपके ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर यूजली हमें देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में इनको किसको इज्जत मिल रही है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसमें गेमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा है और किसमें आपकी स्पोरोफिटिक फेज ज़्यादा है। सो ब्रायोफाइट जो होता है उसमें गेमेटोफिटिक वाला फेज थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको इज्जत भी ज़्यादा मिल रखी है, जबकि टेरिडोफाइट्स में क्या है कि स्पोरोफाइट्स की ज़्यादा इज्जत है। तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं फाइलम्स में तो इज्जत ज़्यादा मिलने लगती है। शुरू में आपने देखा था कि जो एल्गी थी वो आपकी क्या थी, वो आपकी गेमेटोफाइट थी, है ना। लेकिन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट क्या थे, वो आपके स्पोरोफाइट हैं, वो आपके मतलब हल्के हल्के से हैप्लो डिप्लॉन्टिक एक तरीके से स्पोरोफाइट भी है और गेमेटोफाइट भी है। लेकिन जो हमने बाद में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स हैं तो उनमें क्या होता है कि स्पोरोफाइट को ही इज्जत मिलती है। तो पूरा चैप्टर इसी चीज़ पे बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा रट्टा वाला चैप्टर है, आपको अच्छे से सारी चीज़ों को याद कर लेना है और कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे। सारे के सारे एग्जांपल्स वगैरह आपको याद कर लेना है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लो डिप्लॉन्टिक के कुछ एक्सेप्शन भी स्पेशली मेंशन किए गए हैं एनसीईआरटी में, तो आप उसको भी पढ़ लेंगे। फ्यूकस जो होता है जो आपका, उसमें क्या होता है कि आपकी डिप्लॉन्टिक साइकिल देखने को मिलती है एक्सेप्शनली, और कुछ ऐसी आपकी एल्गीज होती है जिनके अंदर के हैप्लो डिप्लॉन्टिक होता है जबकि होना चाहिए हैप्लॉन्टिक, तो उसके भी तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो वो तीनों एग्जाम्पल भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। इक्टोकार्पस स्केल्प है तो आप उसको भी अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। मोस्टली इस चैप्टर में आपको इन्हीं बातों पे ध्यान देना, एग्जाम्पल पे ध्यान दोगे और सारा जो एल्गी वाला जैसे कि जितना भी क्लासिफिकेशन है तो उसमें किस में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है, ये सारी बातें अगर आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।